हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं आज आपको फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में बताऊंगा जो एलजी कंपनी की है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में हमारा जो इसका मॉडल नंबर है FHM1408BDW है। दोस्तों, इसकी अगर कैपेसिटी की बात की जाए दोस्तों, तो ये 8 KG की है। इसमें जो इनपुट वोल्टेज है 230 वोल्ट है और 50 Hz। इसकी जो वाटेज की बात करें दोस्तों, तो 2100 वाट की है। इसकी डायमेंशन देखें तो इसकी विड्थ है 800 × 550 × 850 mm। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सारा चीज़ इसका दिया हुआ है इसमें। और हम दोस्तों इसकी पूरी की पूरी जानकारी इसमें आपको देंगे। हम वीडियो पे बने रहें, इसका हम पूरा डिटेल्स में हर एक चीज़ बताएंगे इसकी रहे तो। आगे हम देखेंगे कि ये जो इसका सीरियल नंबर भी दिया है दोस्तों, यहाँ पे सीरियल नंबर है, इसकी कंपनी का नेम है, ये सब चीज़ दी हुई है। और जो ये वॉशिंग मशीन है बहुत बढ़िया है दोस्तों, ये बहुत अच्छा से साफ करते हैं कपड़े को, क्योंकि इसका जो मेथड ड्रम जो है दोस्तों, बहुत बेस्ट काम करता है इसको धुलने के लिए, कपड़े धुलने के लिए सबसे बेस्ट, क्योंकि टॉप लोड से ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अभी आप देखेंगे डायल पैड, ये हमारा है दोस्तों डिस्प्ले, इसमें देखेंगे प्ले है, स्पिन है, टेम्परेचर है, पावर बटन है, प्री वॉश है, डिले टाइमिंग है। आप देख रहे हैं इसमें जितने सारे जो फंक्शन है वो सारा चीज़ इसमें डिस्प्ले में शो करता है। जो भी वाटर लेवल है उसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री और 60 डिग्री भी दिया हुआ है दोस्तों, देख पा रहे हैं। जैसे हम मशीन को ऑन करते हैं तो मशीन क्या है बताता है कि भी ये कितने पे इसको कपड़े को धुलना है, किस टेम्परेचर में। अगर बहुत गंदे हैं, स्टीम वाले हैं, तो उसको क्या है 60 डिग्री पे धुला जाता है दोस्तों। अभी आप देखेंगे ये डायल पैड है, डायल पैड की बात करें तो स्टीम साइकिल है, कॉटन है, कॉटन लार्ज है, मिक्स है, इजी केयर है, बेबी केयर है, स्पोर्ट वेयर है, डिलीकेट है, वूल है, क्विक 30 रिंस प्लस स्पिन, ये सब चीज़ दी है दोस्तों। हर एक फंक्शन इंडिविजुअल, हर एक फंक्शन में अलग अलग वर्क होता है दोस्तों। जैसे कॉटन हो गया, उसमें कॉटन वाले कपड़े डालना है, स्पोर्ट वाले हो गए, डिलीकेट वाले हो गए जो नाजुक होते हैं, जो ऊनी कपड़े होते हैं वो डालना है वूल वाले में। जो क्विक 30 वाला है ऑप्शन दोस्तों, इसमें देखेंगे जो क्विक 30 है, बहुत ही इसमें क्या होता है कि जो एक दो दिन के कपड़े होते हैं जो बहुत कम गंदे होते हैं उनका यूज़ किया जाता है दोस्तों। और जो रिंस प्लस स्पिन क्या होता है, एक बार कपड़े धुल चुके हैं उसको फिर से साफ पानी से धुलना और कपड़े को सुखाना, ये रिंस प्लस स्पिन में होते हैं। बेबी केयर है, आई केयर है, मिक्स है, ऐसे करके बहुत सारे फंक्शन हैं। और हर एक फंक्शन में दोस्तों आपको टाइमिंग जो है शो करता है कि कितना टाइम लगेगा। अभी देखेंगे इसका फ्रंट लुक टोटली, ये हमारा देख पा रहे हैं, ये पूरा ड्रम है दोस्तों, ये रोटेट चल रही है। अभी हमने इसको पानी थोड़ा डाल के इसको चलाया है। अभी देखिए ये हमारा पूरा का पूरा डिटर्जेंट बॉक्स दिखेगा, मशीन की पूरी डायल पैड दिखेगी, ये सब चीज़ें दोस्तों देख रहे हैं। अभी ये क्विक 30 पे मैंने लगाया था तो उसका है। अभी देखिए इसकी स्टिकर की बात करें तो 5-star रेटिंग है दोस्तों, और इसका 0.062 एनर्जी कंजप्शन से ये सब चीज़ दी हुई है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे इसका सीरियल नंबर दिया है, हमने इसको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर दिया है, कहीं पे वाटर लीकेज नहीं है दोस्तों, देख रहे हैं कुछ भी वाटर लीकेज नहीं है, प्रॉपर अच्छे से कनेक्ट कर दिया। इस पैनल के बारे में आपको हम तो बता ही दिए हैं, स्टिकर के बारे में, इसकी कैपेसिटी वगैरह 8 KG है, ये सब चीज़ें भी। और आप देखेंगे दोस्तों इसमें फ्रंट पे देखेंगे, इसी डिस्प्ले दोस्तों, डिस्प्ले में क्या है, मेन पावर बटन देने दिखाया मैंने, मेन ऑन करेंगे मशीन को, मशीन को ऑन करने के बाद डायल पैड को हम मूव करते हैं तो स्पोर्ट वेयर हो गया 54 मिनट का, डेलीकेट 47 मिनट का,
वूल वाले कपड़े हैं 37 मिनट का, क्विक 30 30 मिनट का, रिंस प्लस स्पिन 20 मिनट का, बेबी केयर है इसमें क्या, फिर वो लोड के हिसाब से टाइमिंग बताता है दोस्तों, है ना, कितना हम उसमें मशीन में डालेंगे उसके हिसाब से हमारा मशीन कैलकुलेट करके बताएगा। यहाँ पे कुछ एरर कोड दिए हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ, अगर मान लीजिए कचड़ा चढ़ा फंस गया तो उसके बारे में बताता है दोस्तों ये सब चीज़ें। आपको प्री फिल्टर साफ़ करना है, जो यहाँ पे जाली होती है जैसे हमारा इनलेट पानी होता है वो साफ़ करना है दोस्तों। इससे क्या होता है, पानी के फ्लो में अगर कमी हुई तो मशीन का डिले टाइम होता है दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो में ऐसे बने रहें, हम आपको जानकारी देंगे, उसके लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।